शिवपुरी के बिलोकला गांव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया सरप्राइज विजिट। मध्य प्रदेश परीक्षा में 96% प्राप्त करने वाली बेटी दीप्ति से मिले। अपने चुनावी दौरे में आज केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के बिलोकला गांव में सरप्राइज विजिट करने पहुँच गए, जहाँ उन्होंने गाँव वालों के साथ बातचीत की। संवाद के दौरान वे क्षेत्र की बेटी दीप्ति से भी मिले। सिंधिया ने बेटी दीप्ति ने मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। सिंधिया ने यह भी पूछा कि बेटी आगे चलकर क्या करना चाहती है, जिसका जवाब देते हुए दीप्ति ने बोला कि वह बड़े होकर IAS अफसर बनना चाहती। यह सुनकर सिंधिया बहुत खुश हुए और उन्होंने बेटी को अपना आशीर्वाद भी दिया और बोला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सिंधिया के इस नए स्टाइल को देखकर गांव वालों में एक नया जोश आ गया। मैं खड़ी है मेरी बेटी दीप्ति, असवाखेड़ी गांव से है, पास में ही करण सिंह जी पिताजी, और मुझे इतना गर्व है मेरी बेटी के ऊपर कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 96% अंक लेकर दीप्ति आई। अरे अच्छे से ताली बजाओ दीप्ति के लिए। मैंने दीप्ति को चुपचाप से कहा, मैंने कहा रहस्य क्या है मुझे बताओ। तो दीप्ति ने कहा क्यों, मैंने कहा क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ाई की अपने जिंदगी पे, 96% तो मैं कभी नहीं लाया, तुमने कैसे लाया जरा मुझे बताओ। तो क्या बोलती है दीप्ति मालूम है? दीप्ति बोलती है बस मेरे घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद। ये भारत की संस्कृति है।